हर देवी देवता के व्रत में, पूजा पाठ में आपको कुछ ना कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। तो क्या विधान है मां शीतला के व्रत का और कौन कौन सी सावधानियां हैं, ये आप नोट कर लें। शीतला सप्तमी के दिन गर्म चीजों का भूलकर भी आपको सेवन नहीं करना है, यानी कि ठंडी चीजों का हमेशा सेवन करिएगा। शीतला सप्तमी के दिन नए वस्त्र आभूषण धारण ना करें। अब ये क्या बात हुई, देखिए नए वस्त्र जो होता है उसके अंदर एक गर्मी का आभास होता है। जब आप नया वस्त्र, कोरा वस्त्र पहनते हैं तो आपको कहीं ना कहीं शरीर के अंदर एक एनर्जी का, एक थोड़े से गर्म ऊष्मा का जो है आभास होता है, यानी गर्मी लगने लगती है आपको नया वस्त्र पहनकर। वस्त्र को पहले आप पानी में भिगो दीजिएगा, उसके बाद सुखा के नए वस्त्र को धारण करिएगा। इस वस्त्र में व्रती, इस व्रत के अंदर व्रती जो है एक दिन पहले बना हुआ भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, यानी कि कोई भी व्रत कर रहा है जो व्यक्ति, वो एक दिन पहले बना हुआ ही भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करेगा। ताजा भोजन या गर्म भोजन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यही माता की विशेष पूजा है। गर्म भोजन या तैयार किया हुआ तुरंत भोजन बिल्कुल भी ना करें। ऐसा यदि आपने करा तो कहीं ना कहीं आपके व्रत अनुष्ठान में, पूजा पाठ में कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी और आपको पूर्ण फल नहीं मिल पाएगा। बड़ी बुजुर्ग स्त्रियों का अपमान आपको भूलकर नहीं करना है, चाहे ये व्रत हो चाहे किसी भी तरह का व्रत हो, आपको बड़ी बुजुर्ग स्त्रियों का अपमान नहीं करना। परिवार में किसी भी तरीके से कलह कलेश ना होने दें तो ये हर तरीके से बेहतर होगा और ये आपके लिए लाभप्रद भी होगा, क्योंकि आपने सारी के सारे नियमों का, सावधानियों का पालन किया है। अब आपको बताते हैं कि शीतला सप्तमी पर आपको कौन कौन से दिव्य प्रयोग करने हैं, जिससे आपके परिवार के अंदर आए हुए भयंकर से भयंकर रोगों को, कष्टों को, कलेशों को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। शीतला सप्तमी के दिन सुबह के समय आप उठिए, साफ वस्त्र आप धारण कर लीजिए, लेकिन कोरे वस्त्र धारण ना करिएगा। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप एक लाल आसन पर बैठ जाएं और मां शीतला के चित्र को, विग्रह को या फोटो को अपने सामने एक लाल या पीले रंग का आसन बिछाकर उस पर स्थापित करें और उनके सामने ठंडे पानी का भरकर आपको कलश रखना है। ओम शीतलाय नमः मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। चाहे तो आप शीतला स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं और अपने रोगों को खत्म करने की प्रार्थना करनी है। जब आपका शीतला स्तोत्र या ओम शीतलाय नमः मंत्र 108 बार पूरा हो जाए तो पूजा में रखा हुआ ठंडा जल, जो आपने कलश में भर के रखा हुआ था जल को, उस जल को सारे घर में आप छिड़क दीजिएगा और व्यक्ति जो बीमार हो उसके ऊपर उस जल का आप छींटा दीजिएगा। यदि आपने ऐसा किया तो बीमार जो व्यक्ति है उसको दवा बहुत जल्दी असर करना शुरू करेगी और बीमार व्यक्ति स्वस्थ अपने आप को महसूस करने लगेगा। चाहे वो घर के बड़े बुजुर्ग हों, चाहे स्त्रियां हों, माताएं बहनें, कोई भी हो, यदि वो बीमार हैं, उन्होंने शीतला स्तोत्र का पाठ किया या ओम शीतलाय नमः मंत्र का 108 बार जाप किया और उस जल का सेवन किया जो आपने पूजा अर्चना में रखा था, ऐसा करने से बीमारी हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाएगी। तो माता शीतला की पूजा अर्चना जब भी आप करें पूरे नियम के अनुसार करें, किसी चीज की कोई कमी पेशी ना छोड़िएगा, क्योंकि देखिए जब आप कमी पेशी छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं रिजल्ट आने में कमी होती है, फल मिलने में कमी होती है, तो आप क्यों छोड़ेंगे। जब हमारा प्रयास रहता है आपको बारीक से बारीक जानकारी देने का, तो आप भी ये कोशिश करा करिए कि कोई भी त्रुटि या गलती आप पूजा पाठ में बिल्कुल ना करें, यही हमारा उद्देश्य रहता है। शीतला सप्तमी पर किस तरीके से एक दिव्य आपको उपाय करना है जिससे आपके सारे कष्ट कलेश खत्म हो जाए, उसे भी आप नोट करें, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए शीतला सप्तमी के व्रत में आपको पता है कि ठंडी चीजों का पूजन किया जाता है। एक बड़े पान के पत्ते पर, छोटा पत्ता मत लीजिएगा, एक बड़ा पान का पत्ता लीजिएगा, उस पर गुड़ मिश्रित चावल, यानी कि गुड़ के द्वारा बने हुए मीठे चावल आप थोड़े से रखिएगा, थोड़ा सा उसके बराबर में आप दही रखिएगा,
और उसके साथ साथ थोड़ा मिठाई और भीगा हुआ अनाज रख दीजिएगा उसी पान के पत्ते पर। ये आपको पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके करना है। यथा संभव हो सके तो उस पर आप दक्षिणा भी रखिएगा, चाहे आप 2 रुपए रखें चाहे 5 रुपए, ये आपकी श्रद्धा है। अपने दाएं हाथ में यह पान का पत्ता रखकर आपको संकल्प लेना है और परिवार में सुख शांति की मां शीतला से प्रार्थना करनी है कि हे मां, आप हमारे परिवार में सुख दें, शांति दें और समस्त रोगों का नाश करें। यदि आपने ऐसी प्रार्थना करी और ये पत्ता आपको अपने घर से नंगे पैर चलकर मां शीतला के मंदिर में यह पान का पत्ता अर्पण करना है, मात्र इतना सा उपाय। इसमें ज्यादा समय भी मुझे नहीं लगता कि लगेगा और इतना ज्यादा आपका खर्चा भी नहीं होगा। यह बहुत सरल उपाय है, लेकिन देखने में सरल है, इसका प्रभाव एकदम से विलक्षण है। करके देखिएगा। मां शीतला को समस्त ठंडी वस्तुओं का भोग लगाने से परिवार में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य बना रहता है। तो ये पान के पत्ते का जो उपाय हमने आपको बताया, मां शीतला को अर्पण करने का बहुत सरल सा आसान सा तरीका है। आप मां शीतला को बहुत आसानी से रिझा सकते हैं, मना सकते हैं और प्रयास कर सकते हैं। हर तरीके से मां शीतला की पूजा में आपको ठंडी चीजों का सेवन करना है, यानी आज ही के दिन से आप ठंडे जल से स्नान करें, आज ही के दिन से ठंडे जल का सेवन भी करना आरंभ करिए। ठंडे का अर्थ यह नहीं कि आप फ्रिज का जल का सेवन करना शुरू कर दें, फ्रिज के जल का नहीं, मटके के जल का आप सेवन करना शुरू करें, आपको स्वास्थ्य में लाभ दिखाई देगा और हर तरीके से आपको दिन प्रतिदिन इसका आभास भी होगा।